क्योंकि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. अगर कोई मान लो तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि इतना डायरेक्टली कौन किसी को जानता है, अप्रोच अगर करते हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी किसी गाने के लिए, है तो उसकी प्रोफाइल देखो कि उसने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, और फिर अगर तुम्हें वो जेन्युइन लगता है तो देन गो फॉर इट. पहला आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला, उनसे आपने क्या सीखा? जब मैं उनके साथ मिली और ही इज वेरी नाइस, लाइक आई एम हेलो ईशा, मैं सिद्धू मूसेवाला, मैं मुझे तो पता ही है. शिवजोत, उनका और बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है वो और बहुत पीसफुली काम तरीके से वो काम करते हैं, ही इज वेरी नाइस. मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं अपने काम के थ्रू अलग अलग, मतलब बहुत से टाइप बनना है मुझे, कि ये भी काम करूं मैं, वो भी काम, चाहे जैसा मर्जी करूं. हिमाचल से बिलोंग करती हूं और मैं यहाँ आके मुझे पंजाब की ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने. सत श्री अकाल जी, की हाल चाल, कितना सारे खाओ पियो ते लो नजारे, मैं ही तुहाडा अपना सज्जल बब्बर, तुसी देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी दा शो इज कॉल्ड सितारियां नाल गलबात. ते आज साडे नाल मौजूद ने एक बहुत ही क्यूट आर्टिस्ट जो कि डर बचाने लई ना टिकी विकी कू करदे आ. इंट्रोड्यूस कराऊंगा थोनू उहनां नाल, मतलब स्माइल बहुत प्यारी है ते नाम भी बहुत प्यारा है. सो हिवी, मतलब एक शायरी नाल आपां स्टार्ट करांगे. कहंदे ओह बंदा हैप्पी जिदे कोल एक काम करन दी होवे दिशा, साडे नाल ईशा. वाह वाह वाह, क्या क्या बात है. वेलकम टू द शो जी. थैंक यू सजल, थैंक यू. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. सो मतलब जेड़ा एक इंसान जो ना डरदा हनुमान चालीसा पढ़दा है ना, सोचो अंधेरा होया होया पूरा, रात पूरी काली, उसी बंदा की जय हनुमान जय हनुमान, इक्की बिकी पूप होएगी भी. मतलब एक्साइटमेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मतलब वो डर के भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं ना, ये डर वो नॉर्मल वाला डर होता है कि एक्साइटमेंट वाला डर, और वो वाला डर पे तो भगवान जी का नाम ही निकलता नहीं है. सच्चा भूत आ रहा है. हाँ. इंसान कहाँ पे है? हाँ. हनुमान जी सब मन में बढ़ रहा है, इक्की बिकी पूप, मैं आता हूँ तेरे पास भाई. मैं आता हूँ भगवान, आप दोबारा बोलो. अरे पकड़ लिया. सो दिस वॉज समथिंग है ना, ये डिफरेंट चीज है ना अभी. सो ईशा शर्मा एक बहुत बढ़िया कलाकार होने एक मोटिवेशनल पर्सन भी नहीं, जो अपने आप नु पुश करते रहते हैं. सो एप्रीशिएटेड फॉर दैट. सो जेडी एक चीज है कि है ना, फीमेल मॉडल्स दे विच अपा ऑब्जर्व करते हैं कि ना कई लोग सिंगर्स करके फेमस होंगे ने, कई लोग अपने काम करके फेमस होंगे ने. थोनू उन्हां विच्चों की चीज ज्यादा पसंद है? मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि अगर मुझे काम करना तो मैं उसका 110% दूं. ठीक है, अब कुछ सिंगर्स जो फेमस है उनके साथ भी मैंने काम किया है, और जो कुछ न्यू आर्टिस्ट है उन लोगों के साथ भी काम किया है. तो मेनली मेरा फोकस सिर्फ यही रहता है कि मुझे अपना काम अच्छा करना है, और मेरी आइडेंटिटी मेरे काम की वजह से बने, मेरे एक्ट की वजह से बने. तो फिर वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद अ बिग सिंगर. काम थोड़े नहीं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन ऐसा, बट ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी मेरे काम से बने, और वो बने कि ईशा ने वो गाना किया है. क्या बात है, मतलब ये बात तो बढ़िया है आपने कही. तो मतलब इस इंडस्ट्री में ना कई बार कहते हैं काम मिलने के ना अलग अलग तरीके हैं, मेहनत करनी पड़ती है. आपने एंटर किया इस इंडस्ट्री में थ्रू ब्यूटी पेजेंट्स. ठीक है, तो ब्यूटी पेजेंट्स का आपकी लाइफ में क्या रोल है? बिकॉज दे ग्रूम यू सो वेल कि आप वहां पे ना सीखते हो किससे कैसे बात करनी है. जब आप बात करना सीखते हो, प्रेजेंटेशन सीखते हो कि बैठना सफिस्टिकेट वे से, टांगे मतलब लेग्स क्रॉस करके, ठीक है, बहुत बात करनी है, बहुत तहजीब से लिमिट में बोलना है, वो सब क्या क्या, मतलब व्हाट वर द थिंग्स जो कि आपको हेल्पफुल रही ड्यूरिंग द ग्रूमिंग सेशंस? मेरा जब जो ब्यूटी पेजेंट थे वो मेरे, तो वो मेरे जब मेरा स्कूल सॉरी कॉलेज टाइम था तब से मैंने स्टार्ट मतलब कर दिया था. तो उसमें बड़ी सी चीजें ऑब्वियसली सीखने को मिलती है, स्टेज कॉन्फिडेंस कैसे, स्टेज को इवन की वो छोटी छोटी चीजें ना मुझे लगता है कि अभी मुझे अब काम आ रही है. जैसे समटाइम्स कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं कि हमें एक वॉक करना होता है, कैट वॉक करना होता है ना, मतलब थोड़ा सा अदाएं दिखानी होती है. और कभी भी कि हमें डांस परफॉर्मेंस भी करनी, तो वो सब छोटी छोटी चीजें तब से ही बिल्डअप होती हैं. जब हमारा ये ब्यूटी पेजेंट्स मैंने करे थे तो वो बहुत ही चीजें सिखाई जाती है. तो वो एक छोटे लेवल का था सब चीजें, पर बहुत अच्छी बात है कि वो उस टाइम पे मैंने वो चीजें करी, क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. बिल्कुल, मतलब कॉन्फिडेंस तो होना बहुत ही जरूरी है इस इंडस्ट्री में. बट मैं छोटे होते से, ऐसी बात नहीं है कि वो जब से मैं छोटी थी तब से मेरी मम्मा ने मेरे को हर चीज में, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाते थे, छोटी सी छोटी. तो फिर उसकी वजह से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ये सब चीजों में.
क्या बात है। अच्छा एक बात ये है कि ना पेरेंट्स ना बच्चों को ना घुसा देते हैं इस चीज में। हाँ। जब बच्चे बोलते हैं ना मैंने बनना एक्टर है, मैंने मॉडल बनना। हाँ। ना ना बेटा तो ये ऐसे नहीं। हाँ। करते हैं ना ये। हाँ, वो कन्विंस कैसे किया आपने? मतलब देखो अब हर कोई एग्री नहीं हो सकता है इस चीज के लिए। मतलब मुझे भी ऑब्वियसली मेरी फैमिली में भी कुछ लोग इस चीज को कहते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इस चीज से मतलब बिलोंग नहीं करता, तो लेट इसको कब कहां तक कितना लंबा जाएगा मुझे भी नहीं इस स्थान से पता कि कितना लंबा जाएगा। बट ये कि एट प्रेजेंट जो मैं काम कर रही हूँ उसको अच्छे से करूँ आगे तो भगवान जाने। बिल्कुल, मतलब आपने किसी बात कह दी कर मान गए? अरे मानना तो अब मुझे पता है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ और वो मेरे काम को देख के खुश है तो फिर मानना तो उनको पड़ेगा ही। क्या मतलब मुझे उनकी तरफ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ओके। क्योंकि मैंने प्रेजेंट अपने आप को इस तरीके से किया। देख रहा जी प्रेजेंटेशन और काम, अगर हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारी इंटेंशंस प्योर हो ना तो हमारा हर कोई साथ देता है। बट समटाइम्स कुछ केसेस में नहीं होता है कुछ लोगों के साथ, बट आई एम लकी विद दिस। क्या बात है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जेड़ा सवाल है सेगमेंट पे भी होने, सेगमेंट बहुत तड़ाकेदार है अपने को, शायद थोनू मैं दस्या नहीं बट इट इज वेरी अमेजिंग। सो इस जेड़ा मेरा नेक्स्ट सवाल यह है कि जिवें तुसीं है ना इन्ने मतलब यू लुक सो गुड, थोनू इंस्टाग्राम ते बड़े मैसेज आंदे होणे मतलब डायरेक्टर्स दे वी सिंगर्स दे वी कि आपां चलो चलदे हां कॉफी ते है ना, ते तुसीं उहनां नूं मना करोगे तां माड़े, जे सीन करके छड़ता तां माड़े, जे मतलब हां वी करना तां औखा ना करना तां औखा, उहनूं किदां करदे मैनेज? देखो जेन्युइनली जहां भी मुझे लगे कि मेरी ये कंफर्ट है मुझे जाना चाहिए, और हर किसी के इंटेंशन गलत नहीं होते, बिल्कुल डेफिनेटली। तो फिर अगर मुझे पता चल जाता है कि ऑब्वियसली यार अब थोड़ी स्मार्ट गर्ल्स आर विद मतलब दे आर ब्लेस्ड विद द थिंग्स की अगर कोई बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हाँ, तो फिर जिसकी भी मुझे प्रोसेस कभी भी आई वो बहुत एक पॉजिटिव थी और एक अच्छे से, अगर किसी के साथ अगर नॉर्मली तुम अगर जा रहे हो तो वो शायद से गलत बात भी नहीं आए। नहीं, बात आपकी सही है बट मना भी करना होता है ना। मना भी करना होता है वो कैसे करते हैं? बात बता दो। हाँ, बताओ तीन मेरे साथ झूठ बोलोगे आप? हे भगवान। नहीं मैं ऐसे बोल देती हूँ कि मेरा ट्रायल है कुछ। अच्छा मतलब मेरा ड्रेसेस का ट्रायल है अभी भी ना, हमें बोला था कि ट्रायल है पर सच्ची था, आई स्वेयर मेरा परसों शूट है। हाँ, 18 को मेरा शूट है तो उसके ट्रायल्स के लिए मुझे सच्ची जाना था, बट ये झूठ भी कभी कभी बोल देती हूँ मैं। हे भगवान, मतलब मैं सोचो मैं इतने प्यार से हमने ना इंटरव्यू करना, हमारा ना ट्रायल है, उनका फोन आ रहा है, अब फोन नहीं आया बट वो मेरे पास प्रूफ भी है। नहीं, नहीं, सच्ची कसम खा के बोल रही हूँ, आप सच कह रहे हो जी, मैं आपकी बात मान गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है दिल दिया गल्ला। ठीक है, इसमें ना हमने अपने खास दोस्त को दिल दुखाना है। ओके, खास दोस्त का दिल दुखाना, मतलब कोई ऐसा दा फ्रेंड जिदा आज बर्थडे हो गए। ठीक है, तुसी उन्हें ना कॉल करना। ओके, ठीक है, तो उन्हें ना यह कहना कि मेरी जड़ी मैनेजर है निधि ना, उन्हें दी फ्रेंड है। अच्छा। उसकी ना मतलब शी इज फ्रॉम हिमाचल। ठीक है, बहुत ना वो हिमाचल से, बड़ी क्यूट है वो लड़की, और वो ना तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है। ठीक है, और वो तुम्हारे घर के पास भी रहती है, बट उसकी कभी ना हिम्मत नहीं हुई और उसने देखा कि ईशा जो है ना बनाती है वीडियो। ओके, मेरे को तो लड़की अच्छी लगी, तू आगे उससे बस बात कर ले। ओके, मेरे एक ना दोस्त का बर्थडे, मैं उसको अभी तक विश नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम की वजह से ऑक्यूपाइड थी, जब वो मुझे कॉल कर रहा तो मैं बिजी थी, और जब वैसे है ना तो मैंने ना उसको कॉल करना है अभी, और अच्छा आइडिया कि मैं अभी उसको कॉल करती हूँ, स्पीकर में डालना फोन। हाँ, बिल्कुल। ओके, फोन पे ऐसे किसे बात करी? नहीं, कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, मैं कॉल कर रही हूँ उसको। हेलो जस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। जस्या, बहुत बहुत तेरी लंबी उम्र होए, तू बहुत सोना सोना काम करे। जस्या, पर तू किथे फसिया? मैं थी यार, मेरी बात सुन। हाँ, सुना। बच्चा यार क्या कहते हैं ना, एक मजाक मतली मेरे को इस टाइम पर, क्या कहते हैं ना, मेरी ना जो निधि दीनी है उनकी फ्रेंड है कोई, ठीक है, और ना वो ना तेरी वीडियोस देखती रहती, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। और पता तेरी इतनी क्रेजी, मतलब वो हर कुछ वाली कहती कि बस मेरे को बात करनी। मैंने कहा मतलब मैंने बोला कि यार मैं ऐसे क्या बात कर, कहती मेरे को शादी के लिए बात करनी है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है मेरी बात सुनने, बस तू उसको बर्थडे विश ले लेना एक बार, और फिर अपने हिसाब से चाय चुय पिला दे यार, एक कुछ कर बात कर ले यार, तो सिर्फ उसको बात कर ले उससे। क्या मतलब तो उससे बात कर ले, मैं ना थोड़ा सा बाहर आई हूँ अभी स्पेशली तेरे से बात करने के लिए, तो तमीज से बात करनी है उससे। अभी चुप कर, जैसे सुन मेरी बात, दोस्त नहीं है तो मेरा, मैं बात करवा रही हूँ। ठीक है, हाय जस, हेलो, कैसे हो आप?
ठीक हूँ यार, बहुत हॉट हूँ। अच्छा तेरी माँ क्या हाल चाल है भानु? भानु नहीं, आप इनका और सीन है आपका। मेरे साथ भी बना लो। हाँ जी आप भी आ जाना, कोई चक्कर नहीं, बहुत जगह भर दूंगी। ये तो अश्लील बातें करता है ईशा, मतलब तू प्रैंक कर रही है, मैंने प्रैंक कर रही हूँ। हेलो हेलो, इशप्रीत बोल रही हूँ मैं, ईशा नहीं मेरे को। जस मेरी गर्ल सुनो, मेरी जस मेरी, हैप्पी बर्थडे जस, आई लव यू जस, हैप्पी बर्थडे। देखो इतना गल है, मेरी फ्रेंड है ना, शी ऑल्सो लव्स यू, मैं इशप्रीत हां, जिन्नियां भी सारी इकट्ठी हो गया, बट असि नाइट आउट जावांगे। हां जी जितनी यार सारियां इकट्ठी हो गया जी, जी थानू मैं नाम दसदा ना दूजी दा, तुसी गाला वो कढ़नियां ने। भाजी बब्बर बोलना है। ओ बब्बर है, की हालत है? हां जी भाजी है ना, गल की है, तुसी कुड़ियां नू है ना, तुसी मैनू कहंदे यार मैं सिंगल है, भानू नाल जेड़ी कुड़ी आंदी आई जान दो है। मैं थानू की कहा सी, जस्ट फोन स्पीकर पे है ना, कंटिन्यू रखियो इस बात को। मैंने आपको कहा था भाजी मेरी किसी से बात करवा दो। सज्जन मैं तो, मेरे नाल तो कुड़ी कोई गल ही नहीं करदी, ईशा तो मेरी फ्रेंड है, मैं तो टिकटॉक बनाना, मैं तो गल भी नहीं। भाजी तुसी चाह पिलांदे हो कुड़ियां नू? ईशा केड़ी चाह? मैं केड़ी कुड़ी नू चाह पिलांदी? हुण तुसी इशप्रीत नू पिलाण लगे सी है। भाजी देखो आप भाई हो मेरे, ठीक है, मैं स्पेशली आज इंटरव्यू प्लान किया, मैं कहा मैं ना भाई को पकड़ता हूँ और हाँ। बोलता हूँ कि यार किसी से मेरी बात कराओ, आप तो कह रहे जो आता आई जाए, ऐसे थोड़ी होता है। ये जस ये आपको शक्ल दिखी नहीं यार, जस तू रहने यार, तू तू नजर तो गिर गया, गिर गया तू ना आ तू। चल ठीक है, मैं कॉल करते हैं आपको, ठीक है, ओके ओके बाय। मैं इंटरव्यू पे हूँ अभी। कितने? मेरे वहीं पे। इंटरव्यू में आपको? चल ठीक है, बाय बाय, बात करती हूँ। ओके देख लो जी हाल मुंडे ने, जेडी आ जाओ दूसरी वो भी ले जाओ। सही बात है, कैसे होते हैं जिंदगी में। हमारा और भी फ्रेंड है ना, तो फिर उसको लगा माइट भी वो प्रैंक कर रहा है, सो दैट्स व्हाई मे बी। हाँ दोस्त की साइड भी लेनी है, हाँ दोस्त की साइड भी लेनी है, जरूरी है। चलो ये बहुत सेगमेंट बहुत बढ़िया रही। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है ये ना, मैं सेगमेंट का नाम को बताता हूँ, ठीक है। ये है बेसिकली इस सेगमेंट में हम लोगों के जो होते हैं ना बातें, वो लोगों तक पहुंचाते हैं ना, स्टार्स नाल गल्लां। इस सेगमेंट के विच थोनू कई छोटे फैंस ने कुछ गल्लां कहियां होईयां ने, उन्हां दा रिप्लाई करना तुसी, ठीक है। पहला जी, पहला प्रपोजल है भानू पीपी, ये ना इंस्टाग्राम आईडी है, थोड़ी फोटो ते कमेंट कीता सी जे तुसी चाह पी रहे सी, चाय आप अच्छी पीते हो, बना भी दिया करो। मुझे बहुत अच्छी चाय आती है बनाने के लिए। चलो के साथ में चाय उनके साथ पीने? ना ना बेचती तू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बिट्टू शटरा वाला। मेरा फेवरेट है बिट्टू शटरा वाला, नीटू शटरा वाला। नीटू पाजी तोड़िया चढ़ाइया है, सारे सिंगर फेमस थोड़े आगे, उन्होंने ना एक गाना सुना दो। मुझे वो नहीं पता, बट उनका ऐसे कर दिए पांजी वोटा पे, ऐसे क्या था वो ऐसे कर दिए पांजी वोटा पे, ऐसे करवा ले धोखा दे गए, ऐसा कुछ था। मतलब ही इज ट्रेंडिंग, यस यस ही इज अ ट्रेंडिंग आर्टिस्ट। बिल्कुल देखो गल की है, बंदा पावे जिद्दा मर्जी दिखता हो, बंदा ट्रेंड करना चाहिए। यस, और वो किसी चीज को हर्ट भी नहीं कर रहे है ना, तो फिर वो जैसे मर्जी एंटरटेन करे। सही बात है, फेवरेट है, आप देख लो भाई, अब सपोर्ट तो बनती है, सपोर्ट तो बनती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है दिद्दू मूसेवाला। अच्छा ये हिमाचल से है, ये भी गाने गाते हैं। अच्छा। ये कहते हैं आप कोई भी अपना गाना गाओ बट इन पहाड़ी को पंजाबी को कन्वर्ट करके। ओके ठीक है, तो मैं फिर असली वाले सिद्धू मूसेवाला का गाना गाती हूं, धक्का गाओ पंजाबी में, फिर हरियाणा में हिमाचली में। अच्छा हिमाचली में गाती हूँ, ओके। वैसे जिदा दे तो फिर दाए कम कर दा, उम्र ना लगे तेरी इन्नी वड्डी वेगी पंजाबी ना। जदिया जदिया तू काम करदा, ऐसे जदिया जदिया वे तू काम करदा, उम्र नी लगदी तेरी इन्नी वड्डी वे 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 वे। मामी आदि, अब मुझे इसका मतलब ही नहीं पता है पंजाबी वाला भी, फिर मैं इसको हिंदी मामी कह दो आप। मामी आदि डार तेरी मूरे होंदी है, डिवाइडर ते चढ़ी होंदी चढ़ी गड्डी तेरी वे, ये इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है। डिवाइडर पे चढ़ाई होती है गाड़ी, डिवाइडर ऊपर चढ़ाई होती गड्डी। मतलब सेगमेंट बहुत बढ़िया रही, एंड
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਪਾਵਰ ਟੂ ਗੈਸ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨ? मतलब कि वैसे आजकल तो मैं ऑब्वियसली एक लड़कियां के सब कोई सब लोग इतने ज्यादा मतलब पता चल जा रहा है सब चीजों का ही, क्योंकि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. अगर कोई मान लो तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि इतना डायरेक्टली कौन किसी को जानता है, अप्रोच अगर करते हैं, मुझे भी इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी किसी गाने के लिए है ना, तो उसकी प्रोफाइल देखो कि उसने क्या काम किया है क्या काम नहीं किया है, और फिर अगर तुम्हें वो जेन्युइन लगता है तो देन गो फॉर इट. और अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि तुम्हें कुछ टाइम पहले कोई लड़की थी, वो मुझे पूछ रही थी कि यार ऐसे ऐसे करके मुझे कोई प्रपोजल आया है काम के लिए, तो मैं क्या करूं. मैंने कहा पहले तुम उसकी प्रोफाइल देखो, उसने पहले क्या काम किया है, और अगर वो तुम्हें जेन्युइन लगता है कि सच में उसने वो काम किया है, और थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करना इज इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. और बाकी तुम कैसे उससे बात कर रहे हो, कैसे तुम मतलब तुम्हारा वर्क प्रोफाइल है, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग काम मिल जाएगा. तुम्हारे पास भी कुछ कैलिबर होना चाहिए उस चीज के लिए. कैलिबर तुम्हारे पास कैलिबर होना चाहिए उसको पाने के लिए. जोश और शक्ति. यस, ऐसा कहते हैं. तुसी मेनू एक चीज दसो, तुसी मतलब गोलगप्पे वाले कोल गए है ना, कहा कि भैया और बनाओ, मतलब आप जो घरों भेजदा है ना भैया, वो स्वाद नहीं है जो आपके हाथों का स्वाद है. कभी फील हुआ ऐसा? रियलिटी था ना, मतलब लोग मजाक में कहते हैं. रियलिटी तो मैं ये बोलती हूँ कि जब भी मैं गोलगप्पे खाती हूँ ना ऐसे करके, तो मेरी खाने से पहले नजर जरूर होती है कि मुझे वो लास्ट में पापड़ी जरूर दे. अच्छा, ठीक है. तो सब एक बार कई बार क्या होता है कि वो नहीं देते हैं, ऐसे करते कि बस इतने से ही, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेंगे. और मतलब फिर ऐसे कर देते हैं. और बेइज्जती सी फील होती है ना, बड़ी बेइज्जती फील होती है. सच्ची ये बात है, है ना, कि बड़ी बेइज्जती सी फील होती है कि भैया एक एक ही सूखी दे दो, एक नहीं नहीं मैम बस इतने ही, हम इतने ही देंगे आपको. बट एक गल जो ना जाने सब्जियां लैन वास्ते है ना, तो सानू की होंगे कि जो मिर्चा फ्री मिलते हैं तनिया खुशी अलग होती है. मतलब चाहे 5 रुपए की चीज हो, मतलब बंदा कहता है कि मम्मा ट्रॉफी जीत के आया मैं अज. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਵਹੀ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ? ਕਦੇ ਪਹਿਚਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੀਨੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਹੂੰ, ਕਭੀ ਤੋ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਤੇ ਫਿਰ. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਹੁੜ ਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣਾ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਪਿਛ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਬਸ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਵੈਸੇ. ਅੱਛਾ, ਹਾਂ. लोग पहचानते नहीं, अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, लोग पहचानते भी हैं. सब्जी वाले नहीं पहचानते, और बाकी पहचान ले तो अच्छी बात है ना. काम स्पेशल डिस्काउंट पहचान लेना तो अच्छी बात है ना भाई. अच्छा यार, पिज्जा फ्री कर दो भैया फिर आप. नहीं, डिस्काउंट तो बड़ी जगह मिल जाता है. ना ना ना, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, हर जगह डिस्काउंट ही देते रहे. वो बोलेंगे डिस्काउंट वाली मैम. सही है, सही है. सो ये मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट. सेगमेंट का नाम है 11वें. इस सेगमेंट में क्या है कि हम ना कहीं ट्रिप पे जाते हैं, और हमारी ना एक अच्छी बॉन्डिंग होती है आर्टिस्ट के साथ. ठीक है. और उस आर्टिस्ट के अंदर ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, ये बड़ा एनर्जेटिक है, मतलब गिर के उठा है. बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं और कहते हैं कि आई शुड अडैप्ट दीज थिंग्स. कोई बहुत ज्यादा सुनते हैं, दे आर गुड लिसनर्स. तो पहला आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला, उनसे आपने क्या सीखा? देखो, उनके साथ जब मैंने काम किया था, वो मेरा एकदम से बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज था जब मैंने उनके साथ गाना किया था. बट जिस तरीके से कुछ लोग हैं, ऑब्वियसली कहते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे, बट जब मैं उनके साथ मिली, और ही इज वेरी नाइस. लाइक आई एम हेलो ईशा, मैं सिद्धू मूसेवाला. मैं कहा मुझे तो पता ही है, मेरा नाम जान लो आप. तो मतलब कि ही इज नाइस. डाउन टू अर्थ. यस. शिवजोत, उनका और बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है वो, और बहुत पीसफुली काम तरीके से वो काम करते हैं. ही इज वेरी नाइस, जेन्युइनली. एक आप टिकटॉक बनाते हो, आप जिसका बर्थडे था, जस्सा जस्सिया, जस्ट दस, जस्ट मैंने दस. कितना लग गया आज? करा दी तेरी बस. उनके उसके बारे में कहना चाहोगे आप? वो बहुत फनी है. मतलब मेरे ना दोस्त बहुत कम है, तो वो उन मेरे दोस्तों में से है, जो कि मैं उसके पास जाती हूँ तो मैं, हम लोग हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं. वो भी ऐसी फालतू की बातें करते रहते हैं जैसे मैं करती हूँ, और वो मेरी सुनता है, मैं उसकी सुनती हूँ. क्या बात है. पारस चोपड़ा, रिसेंट सॉन्ग. पारस चोपड़ा यार, वो तो मतलब ही इज वेरी गुड सिंगर. मैंने उनके साथ अभी काम किया, तो मतलब एक होता ना कि हम लोग शूट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरे को एक्टर थे वरुण सूद, जैसे लग रहा था कि हम दोनों का गाना है, क्योंकि वो अपनी धुन में थे.
अपनी धुन में, इन द सेंस कि वो अपने ही तरीके से जो उनको काम करना है वो काम करके चले जा रहे हैं. और बस अच्छा है कि ये नहीं कि वो गाना सिर्फ मेरा है, वो गाना हमारा समझ के वो बिल्कुल ऐसे चिंता मुक्त होके हमारे को जिम्मेदारी दे के वो अपना काम कर रहे थे. क्या बात है, मतलब ऐसे सिंगर्स बड़े कम होते हैं कि वरना तो खड़े रहते सेट के ऊपर, मैम आपको दोबारा करना शॉट. हाँ नहीं बट ऐसे ही इज वेरी नाइस अबाउट दैट. बहुत बढ़िया, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਗ ਸਟੇਟ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਆਈ ਹੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸੇ. तो मतलब मुझे लोगों से इतना प्यार मिला लिटरली, मतलब मेरे अभी ऐसा खुशी के मारे ना बता नहीं सकती कि लोगों से ना मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला. क्योंकि एक दूसरी स्टेट से आके यहाँ पे काम करना, मुझे लोगों को अपनी एक पहचान बनाना, मतलब अभी बन रही है धीरे धीरे, मैं चाहती हूँ कि और अच्छे से बने. और जिस तरीके से मुझे अभी प्यार दे रहे हो आप, उसी तरीके से और मुझे प्यार देते रहे. क्या बात है, मतलब मैंने पूछा था कि आप एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रहे हो. एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रहे हो कि कोई मतलब मूवी कर रहे हो, कोई हरियाणवी सॉन्ग्स, भोजपुरी और एनी अदर लैंग्वेज यू ट्राई? देखो मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं अपने काम के थ्रू अलग अलग, मतलब बहुत से टाइप बनना है मुझे कि ये भी काम करूं मैं, वो भी काम चाहे जैसा मर्जी करूं बट मैं करूं जरूर. क्योंकि अभी मैंने पंजाबी गाने के बाद अभी मैंने हरियाणवी सॉन्ग भी किया, मैंने एक भोजपुरी सॉन्ग भी किया है. मुझे अपने काम से कुछ भी ये नहीं है कि मैंने वो गाना किया है तो कैसा है. क्यों? क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट विद माई वर्क और मुझे अच्छा लगता है काम करना, मेरा काम है काम करना. बाकी नो मैटर्स की गाना कैसा जा रहा है कैसा नहीं, मैं अपनी एक परफॉर्मेंस देती हूँ, उसमें मैं बेस्ट करना चाहती हूँ. तो इसी तरीके से मुझे अलग अलग स्टेट्स का भी काम करने को मिल रहा है. तो तो मतलब एक बात आ गई हिमाचल से आने के बाद पंजाब में, पंजाब से आपको और एक बड़ा ऑरा मिल गया जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हो. यस, दैट्स सो गुड. एंड इस मतलब आपके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी अब कुछ बड़ा करूंगा, मेरे को भी धक्का लगेगा मेरे काम को. तो मतलब एक बात होती है ना कि जैसे अब हम पंजाब से हैं तो अब मैं पंजाब में काम कर रहा हूँ, तो अभी हिमाचल से यहाँ पे आए हो तो मतलब वो कहते हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हैं, फिर वो कई बार कई लोग साड़ा करते हैं कहीं प्यार करते हैं, तो आपको ज्यादा क्या मिला वहाँ से? वेल सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि मैं अलग स्टेट से आके, मतलब मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ आके मुझे पंजाब के ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है उन्होंने. और रही बात मेरे हिमाचल वालों की, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे आके. और वो मुझे लगता है कि मेरी वजह से और भी लोग बड़े ज्यादा, कुछ लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम आपके लिए गाना सुन रहे हैं, ये सब पंजाबी गाने कुछ लोग वो कहते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है और बड़ा अच्छा लगता है. तो मतलब भाई देखो जिसने करने हैं ना गाने पंजाबी और हिमाचल से, मैं सुना है कोशिश करो. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. द शो इज कॉल्ड सितारे नाल गलबात. मैं ही तुहाडा अपना सज्जल बब्बर, तुसी देख रहे हो पंजाब प्लस टीवी एंड वी हैव ईशा शर्मा विद अस. थैंक्स फॉर वाचिंग. थैंक यू.